हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन सेलुलर टेक्नोलॉजी। क्या होता है सेलुलर टेक्नोलॉजी, उसके कौन से डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट जनरेशन है। ओके, यह देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि यह आइडिया आपको आ रही होगी कि इसके अंदर क्या होने वाला है, जैसे लाइक 1G, 2G, 3G, 4G, 5G क्या है। इट इज ऑल अबाउट यूअर सेलुलर टेक्नोलॉजी। ये सभी हमारे सेलुलर टेक्नोलॉजी है जो हम हमारे डेली लाइफ के अंदर या डेली रूटीन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं या नॉर्मली क्या क्या उसके अंदर है। उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन से। व्हाट इज एन सेलुलर टेक्नोलॉजी? द सेलुलर नेटवर्क ऑल मोबाइल नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर अ लिंक टू एंड फ्रॉम अ एंड नोड इज अ वायरलेस। कि जो भी मल्टीपल डिवाइसेस है हमारे पास या मल्टीपल नोड्स है एंड यूजर्स है, उसको हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। उस सिनारियो के अंदर हम एक स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी ग्रोथ करें या टेक्नोलॉजी यूज करें। कि जैसे लाइक जितने भी नंबर्स ऑफ जनरेशन है टेक्नोलॉजी के, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G ये सिमिलर टाइप्स ऑफ जी इन द सेंस जनरेशन यहाँ पे इन्वेंट किए। तो स्पेसिफिकली सेलुलर टेक्नोलॉजी इज वॉट? अ मोबाइल फोन नेटवर्क आर ऑन बेस्ड ऑन इट्स टेक्नोलॉजी गिवन बाय मोबाइल फोन नेम एज सेल फोन। कि जो हम हमारे सेल फोन को जो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करें या जो हमारे सेल फोन है उसके अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम सेलुलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन करने वाले। इन अदर्स द अदर्स मेन कंसेप्ट ऑफ अ सेलुलर टेक्नोलॉजी वॉज दैट दे वेयर मल्टीपल एक्सेस, मीनिंग दैट दे प्लेस अ मल्टीपल वॉइस ऑल डेटा कनेक्शन इन टू अ सिंगल रेडियो चैनल। कि जितने भी फ्रिक्वेंसी होगी या चैनल थ्रू हम मल्टीपल चैनल्स हमारे पास है जिसके थ्रू हम मल्टीपल्स या मल्टी मीडिया बोल सकते हैं, मल्टी मीडिया डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सिमिलर जो भी कंसेप्ट है कि पहले किस तरह से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे, हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंगली हमें उसके अंदर क्या क्या नंबर्स ऑफ चेंजेस किए सब भी हम इसके अंदर देखने वाले। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेलुलर टेक्नोलॉजी इज अ फाउंडेशन ऑफ मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट अ यूजर इन अ लोकेशन दैट नॉट सर्व अ वायर नेटवर्क। कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल मतलब प्लेसेस है कि जहाँ पे हम वायर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस सिनारियो के अंदर हमने क्या किया वायरलेस टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। तो वो हमारी हो गई सेलुलर टेक्नोलॉजी। कि जैसे कि हम देख सकते कि पहले नॉर्मल हमारा फ़ोन था या टेलीफोन था जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी उसको हम हर एक जगह पे लेके नहीं जा सकते। इसके लिए हमने क्या किया जो सेल फोन से मोबाइल से उसको इन्वेंट किया, इन द सेंस वायरलेस डिवाइसेस या वायरलेस टेक्नोलॉजी को हमने इन्वेंट किया इसके अंदर। देन नेक्स्ट, सेलुलर टेक्नोलॉजी इज अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल टेलीफोन पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम वायरलेस इंटरनेट एंड वायरलेस वेब एप्लीकेशन एंड मच मोर। जैसे कि हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोन के लिए कम्युनिकेशन के लिए, सेकेंड अब पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स होंगे हमारे पास या कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी हर एक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, देन वायरलेस इंटरनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेट किस तरह से यूज करते थे इन अ वायरलेस मैनर। सो बाय यूजिंग अ नंबर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी वायरलेस हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं विद अ वायरलेस वेब एप्लीकेशन। इसके साथ हम मल्टीपल्स वेब एप्लीकेशन है उसको भी एज अ वायरलेस वे में यूज कर सकते हैं इन सेलुलर टेक्नोलॉजी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते कि वन बाय वन किस तरह से जनरेशन यहाँ पे डेवलप हुए। तो फर्स्ट जनरेशन देखते हैं यहाँ पे, जैसे लाइक नेम सजेस्ट 1G इन द सेंस फर्स्ट जनरेशन। इसके अंदर क्या होगा एनी आइडिया कि फर्स्ट जनरेशन इन द सेंस क्या होगा? सिंपल होगा, इसके अंदर ओरिजिनली जो एनालॉग ट्रैफिक चैनल की फर्स्ट जी इन द सेंस जो फर्स्ट जनरेशन है वो प्रोवाइड्स अ एनालॉग ट्रैफिक एंड वी आर डिजाइन टू बी एन एक्सटेंशन
पब्लिक स्विच एंड टेलीफोन नेटवर्क, इसके अंदर हमने क्या जनरेट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीसीओ वगैरह था कि जिसके अंदर हम या पीसीओ के पहले वाला फ़ोन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर टेलीफोन नेटवर्क, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सिर्फ जो कम्युनिकेशन जो है कि वाया टेलीफोन नेटवर्क से ही कर सकते हैं। इसके अंदर और एक एग्जांपल आपको याद होगा जस्ट लाइक अ ब्रिज लाइक सेल फोन, कि जो बड़े साइज के जो सेल फोन थे जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते थे कम्युनिकेट कर सकते थे रिसीव एंड ट्रांसमिट एंड सिग्नल इन एनालॉग, और लैंडलाइन सब्सक्रिप्शन उसके लिए हमें रिक्वायर लगता था। इस तरह से हम जो कम्युनिकेशन के लैंडलाइन टेलीफोन था वो भी इसके अंदर हम एज अ एग्जांपल देख सकते हैं इन फर्स्ट जनरेशन। इसको डेवलप किसने किया, नाम याद रख सकते हो, डेवलप बाय AT&T। इसका डेटा रेट कितना हो सकता है, कोई इमेजिन कर सकते द डेटा रेट, द वॉइस ट्रांसमिशन वॉज प्योरली यूजिंग एनालॉग एंड कंट्रोल सिग्नल वेंट ओवर 10 Mbps एनालॉग चैनल। इसके अंदर जो डेटा रेट स्पीड था वो 10 kbps के इतना ही था। हर एक जनरेशन के अंदर हम देख सकते कि जितने नंबर ऑफ इन्वेंशन हुए, जितने नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुए, उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स ऑफ जो स्पीड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली। देन सेकेंड जनरेशन देखते, सेकेंड जनरेशन में क्या दिया गया है उन्होंने। इन सेकेंड जनरेशन द फर्स्ट जनरेशन से क्या होगा, इसको हम ओवरकम करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो डिसएडवांटेज थे उसको हम यहाँ पे ओवरकम करने वाले। द फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क क्विकली बिकम अ हाई पॉपुलर, ऑब्वियसली जो फर्स्ट मीडियम हमें मिला है कम्युनिकेशन के लिए, जो फर्स्ट जनरेशन क्या होगा पॉपुलर हो गया। देन इन अ सेकेंड जनरेशन सिस्टम वेयर डेवलप टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी सिग्नल, कि इसके अंदर हमने फर्स्ट किसके ऊपर फोकस किया, हाई क्वालिटी सिग्नल, हायर डेटा रेट सपोर्ट एंड डिजिटल सर्विस, ग्रेटर कैपेबिलिटी। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके ऊपर फोकस किया कि अब हम इसके अंदर कंपेरिजन कर सकते हैं कि क्या क्या फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमने देखा कि जो डिजिटल ट्रांसमिशन था जस्ट लाइक डिजिटल ट्रैफिक चैनल, ये फर्स्ट क्या चेंज हो गया इसके अंदर, जो एनालॉग ट्रैफिक चैनल था या एनालॉग सिग्नल था वो हमने ओवरकम कर दिया वाया डिजिटल वे, कि उसको डिजिटल में हमने कन्वर्ट कर दिया। द डिजिटल ट्रैफिक इज सपोर्ट ओनली बाय अ यूज ऑफ मॉडेम दैट कन्वर्ट अ डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग एंड एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, कि 2G सपोर्ट किसको करेगा, जिसके सिस्टम के अंदर या जो डिवाइस होगा उसके अंदर स्पेसिफिकली मॉडेम होना चाहिए कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। दिस सिस्टम रियली सपोर्ट अ डिजिटल डेटा वॉइस ट्रैफिक इज एनकोडेड इन अ डिजिटल फॉर्म बिफोर ट्रांसमिटिंग, कि जैसे कि जो वॉइस कॉल था हमारा एग्जाम्पल लेते हैं कि वॉइस कॉल के अंदर क्या होता था कि पूरा एनालॉग डेटा सेंड करने के लिए वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर सकता है या उसके अंदर नंबर्स ऑफ एरर आ सकते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, पूरा डेटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो बिफोर सेंडिंग जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड रिसीविंग के बाद वो डिजिटल डेटा एनालॉग में कन्वर्ट होकर आपको जो भी वॉइस है वो प्रॉपरली आ जाएगा। देन सेकेंड क्या डिफरेंस है, सेकेंड इज एन इंक्रिप्शन, बिकॉज ऑफ ऑल यूजर ट्रैफिक एंड कंट्रोल ट्रैफिक इज डिजिटलाइज इन 2G, इट इज अ रिलेटिवली सिंपल मैटर टू इंक्रिप्ट ऑल द ट्रैफिक टू प्रिवेंट ईवेस ड्रॉपिंग। ईवेस ड्रॉपिंग इन द सेंस क्या होता था इन एनालॉग फॉर्मेट या एनालॉग डेटा के अंदर, कि जैसे कि जो टेलीफोन के ऊपर हम कम्युनिकेशन करें या डेटा वॉइस ट्रैफिक जनरेट करें, तो थर्ड पर्सन क्या कर सकता था या थर्ड पर्सन क्या करता था कि जो भी टेलीफोन के नंबर्स ऑफ स्विच होते थे कि या लैंडलाइंस होते कि उसके अंदर से क्या ईवेस ड्रॉपिंग इन द सेंस, कोई थर्ड पर्सन वो डेटा को
ले सकता था या सुन सकता था। तो 2G के अंदर क्या हो गया, जो भी डेटा हम सेंड करें तो वाया इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इन अ सिक्योरिटी फॉर्मेट में हम क्या करें तो सेंड करें, तो वाया 2G सिस्टम प्रोवाइड अ कैपेबिलिटी वेयर 1G या फर्स्ट जनरेशन सिस्टम सेंड द यूजर ट्रैफिक इन क्लियर और नो सिक्योरिटी। कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था कि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी, वो हमने सेकेंड जनरेशन के अंदर वाया इंक्रिप्शन मेथड अप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दी। देन नेक्स्ट कि कोई नहीं था डायरेक्टली एनालॉग डेटा था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो और एक उसके अंदर प्रॉब्लम था जस्ट लाइक एरर डिटेक्शन एंड कोरिलेशन, इसको भी हमने सेकेंड जनरेशन के अंदर ओवरकम कर दिया। द डिजिटल ट्रैफिक स्ट्रीम ऑफ 2G सिस्टम ऑल्सो लीड इट सेल्फ टू यूज ऑफ एरर डिटेक्शन एंड कोरिलेशन टेक्निक, द रिजल्ट कैन बी अ वेरी क्लियर वॉइस एंड रिसीप्शन। ओके, जो भी वॉइस को रिसीव कर रहे हैं डेटा को, तो उसको क्लियरली जो भी है विदाउट एनी नॉइस जो भी डेटा है वो सेंड होने लगा। तो ये हमें एरर डिटेक्शन एंड कोरिलेशन की वजह से ये एडवांटेज मिल गया। देन लास्ट डिफरेंस है इज एन चैनल एक्सेस। इन द फर्स्ट जनरेशन सिस्टम ई सेल सपोर्ट अ नंबर ऑफ चैनल एट अ गिवन टाइम, इन अ चैनल इज अलोकेटेड ओनली वन यूजर। कि एट अ टाइम हम क्या कर देख सकते थे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक पर्सन एट अ टाइम एक ही पर्सन से कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट कर सकता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन 2G सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड अ मल्टीपल चैनल पर सेल। कि हर एक सेल या हर एक जो यूजर्स है वो मल्टीपल यूजर्स से एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकता है, जस्ट लाइक अ नंबर्स ऑफ यूजर्स से शेयर्ड कॉल या शेयर्ड वॉइस कॉल, इन द सेंस कॉन्फ्रेंस कॉल का जो हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी है ये सेकेंड जनरेशन के अंदर डेवलप हो गई। इतने नंबर्स ऑफ चेंजेस इसके अंदर हो गए। देन नेक्स्ट इज एन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या होगा, एनी आइडिया? जो भी टू सेकेंड जनरेशन था उसके अंदर हमने क्या क्या ओवरकम इसके अंदर कर दिया। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंजेस किया इसके अंदर, वायरलेस टेक्नोलॉजी किया। कि जो वायर टेक्नोलॉजी थी टू सेकेंड जनरेशन के अंदर, और थर्ड जनरेशन के अंदर हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायरलेस कम्युनिकेशन अप्लाई कर दिया टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टू सपोर्ट मल्टीमीडिया डेटा, वीडियो, ऑडियो की जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट मल्टीमीडिया, तो सबको हमने क्या किया यहाँ पे तो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दिया। देन और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देखने को हमें मिलने वाले, फर्स्ट इज एन बैंडविड्थ। कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बैंडविड्थ कितनी थी, 10 KB/s थी, तो उसको इंक्रीज होना चाहिए। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसके अंदर हमने सिर्फ डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया एंड नंबर्स ऑफ चेंजेस किया। अभी थर्ड जनरेशन के अंदर हमने क्या किया, जो बैंडविड्थ है कि हमारा डेटा रेट है या किस तरह से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड बैंडविड्थ के ऊपर बोलना चाहिए तो एंड इम्पोर्टेंट डिजाइन गोल फॉर अ 3G सिस्टम टू लिमिट चैनल यूजेस ऑफ 5 MHz। जो भी हमारा सेलुलर टेक्नोलॉजी था वो कहाँ पे कितने तक लिमिटेड था, 5 MHz, तो उसको हमने क्या किया उस बैंडविड्थ ऑफ 5 MHz और मोर इम्प्रूव द रिसीवर एबिलिटी टू रिजॉल्व अ मल्टीपाथ व्हेन कंपेयर्ड टू अ नैरो बैंडविड्थ। जो नैरो बैंडविड्थ का इश्यू था इसके अंदर, हमें जो 5 MHz फ्रिक्वेंसी हम यूज करते थे तो उसको हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। द अवेलेबल ऑफ स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड बाई कंपेटिंग अ नीड एंड 5 MHz इज अ रिजनेबल अपर लिमिट वॉट कैन बी अलोकेटेड फॉर अ 3G। द फाइनली अ 5 MHz इज अ एक्वेटेड एंड सपोर्टिंग अ डेटा रेट ऑफ 5G के 5 MHz के अंदर कितना डेटा रेट हम यूज कर सकते थे, 144 to 384 KB/s। कि ये क्या हो गया, इसके अंदर इन्होंने एक टारगेट अचीव कर दिया कि जो डेटा रेट था कि जो 10 KBPS था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन 144
144 KB पर सेकेंड टू 384 KB पर सेकेंड, इसको नंबर्स ऑफ टाइम से उन्होंने स्पीड को या डेटा रेट को इंक्रीज कर दिया। सो नेक्स्ट एडवांटेज इज इन डेटा रेट, जो टारगेट था वो अचीव कर दिया उन्होंने। द टारगेट ऑफ डेटा रेट आर 144 एंड 384 KB पर सेकेंड। सम 3G सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड अप टू 2 MB पर सेकेंड फॉर ऑफिस यूज, कि अप टू कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, 2 MB पर सेकेंड तक 3G टेक्नोलॉजी को या 3G सिस्टम को यहाँ पे यूज कर सकते। देन नेक्स्ट इज एन मल्टी रेट। मल्टी रेट टर्म्स रेफर टू प्रोविजन ऑफ अ मल्टीपल फिक्स डेटा लॉजिक चैनल टू गिव अ यूजर इन विच अ डिफरेंट डेटा रेट आर प्रोवाइडेड इन अ डिफरेंट लॉजिकल चैनल, कि हर एक यूजर के अकॉर्डिंगली हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, कि डिफरेंट रेट कि जितने रिक्वायर्ड होंगे उसको उसके अकॉर्डिंगली इन अ सेम चैनल हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स यूजर को हर एक के अकॉर्डिंगली मल्टीपल डेटा रेट हम वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता था, 2G के अंदर हर एक जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स है हर एक को सेम फ्रिक्वेंसी हम सेंड करते रहे, लेकिन यहाँ पे मल्टी रेट जो फीचर्स हमें प्रोवाइड हुआ है उसके अंदर हमने क्या किया कि जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर हमारे पास है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग हर एक यूजर को लॉजिकली हमने एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी या सेपरेट चैनल प्रोवाइड कर दिया, जिसके थ्रू हर एक के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट रेट प्रोवाइड कर सकते। द एडवांटेज ऑफ मल्टी रेट इज दैट द सिस्टम कैन फ्लेक्सिबल सपोर्ट अ मल्टी सिमुलेशन एप्लीकेशन फ्रॉम अ गिवन यूजर कैन बी इफिशियंटली यूज अवेलेबल कैपेबिलिटी बाय ओनली प्रोवाइडिंग द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच सर्विस। हर एक सर्विस के लिए हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या डिफरेंट रेट यहाँ पे असाइन कर सकते। ये हो गया हमारा 3G। देन जो अभी हम करंटली यूज कर रहे थे अभी उसको हमने चेंज करने वाले, अभी तक चेंज किया नहीं, तो वो है हमारा फोर्थ जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन तो अभी सभी ने हमने देखा है कि 4G क्या है, किस तरह से। ओके, इसके अंदर फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन, कि 4G इन द सेंस कि एक चीज़ याद रखने का कि इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन इन द सेंस 4G टेक्नोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो गई। द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन एंड सेलुलर नेटवर्क हैज इन अ न्यू जनरेशन ऑफ कैपेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड विच कलेक्टिवली कॉल्ड एज 4G। द 4G सिस्टम प्रोवाइड फॉर अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस फॉर वराइटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, इंक्लूडिंग कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस आपको पता है सभी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मोबाइल इन द सेंस मूवेबल डिवाइस। द 4G नेटवर्क सपोर्ट अ मोबाइल वेब एक्सेस एंड हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन सच एज हाई डेफिनेशन मोबाइल। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन इन द सेंस कि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उसके अंदर हम हाई डेफिनेशन इन द सेंस क्या हो सकता है, मोबाइल टीवी और मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग सर्विसेज, इसके अंदर जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा साइज को हमें रिक्वायर है सभी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कि क्यों हुआ कि फोर्थ जनरेशन के अंदर इतनी स्पीड या डेटा ट्रांसफर रेट किस तरह से इंक्रीज हुआ, बाय यूजिंग IP पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। 4G मीन्स 4G टेक्नोलॉजी इन द सेंस मेन एडवांटेज या मेन फीचर क्या है इसके अंदर, द IP पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, कि जो भी नेटवर्क है वो तो किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन IP पैकेट, ये इंटरनेट पैकेट यहाँ पे हमने इवोल्यूशन किया कि इंटरनेट पैकेट यहाँ से हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। बाय यूजिंग इंटरनेट पैकेट द पीक ऑफ डेटा रेट अप टू अप्रोक्सीमेटली 100 MB पर सेकेंड, जो भी डेटा रेट यहाँ पे हमने क्या किया, कितना इंक्रीज किया, 100 MB पर सेकेंड नॉर्मल यूज के लिए। फॉर
हाई मोबाइलिटी एंड मोबाइल एक्सेस अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 GB per second. ओके, नॉर्मल के लिए 100 MB per second तक हमने उसको इंक्रीज किया, एंड हाई इन द सेंस इंटरप्राइज यूज के लिए हमने 1 GB per second तक ही उसको यूज कर सकते. देन डायनेमिकली शेयर द यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स एंड मोर सिमुलेशन यूजर एज पर सेल, कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस है, हर एक के हमने क्या कर सकते हैं इसके अंदर 4G के अंदर सिमुलेशन हमने क्रिएट कर दिया. स्मूथ हैंड ओवर अक्रॉस द नेटवर्क, कि जितने भी नंबर्स ऑफ नेटवर्क है उसको हम क्या कर सकते हैं स्मूथली हैंडल कर सकते हैं वाया जितने भी सिमुलेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू. जो भी हार्डवेयर नेटवर्क है उसको इजीली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं. देन जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर नेक्स्ट जनरेशन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जितने भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हमारे पास है कि हर किसी को हम विद ए हाई बैंडविड्थ या हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. देन लास्ट ऑफ ऑल हमारा 5G जो अभी इन्वेंट हो रहा है, कि 5G की कब इन्वेंट हुआ, किसी को ईयर पता है 5G का? 5G इन्वेंट और स्टार्टेड वर्किंग इन ईयर 2020. 5G टेक्नोलॉजी लाइक अ एरिया टू अचीव अ रिसर्च बाय 2020. द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक जनरेटेड बाय टैबलेट स्मार्टफोन्स विल एग्रीगेट बाय एन इक्वली ह्यूज एंड मच लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट ऑफ ट्रैफिक या इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली भी उतना डेटा जनरेट होने लगा जितना नॉर्मली हम हमारे मोबाइल स्मार्टफोन से जनरेट कर रहे. कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द सेंस क्या, कि नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस है, नंबर्स ऑफ डिवाइसेस या थिंग्स था जो हम नॉर्मली यूज करते थे उसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया. जस्ट लाइक कि स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, कार, थर्मामीटर, डोर लॉक सिस्टम, कि जितने नंबर्स ऑफ आपको पता ही होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उससे भी क्या होने लगा, डेटा जनरेट होने लगा. तो वही सभी कहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, हमारे 5G टेक्नोलॉजी के अंदर. द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर बट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ट्रांसमिशन इफिशियंसी. द 5G विल बिल्डिंग अ मोर इंटेलिजेंट इन टू वन नेटवर्क, कि 5G के अंदर हमने क्या किया, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको डेवलप किया टू मीट अ सर्विस क्वालिटी डिमांड बाय अ डायनामिक यूज ऑफ प्रायोरिटीज, कि जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है या जितने भी नंबर्स ऑफ इंटरप्राइजेस है, कि हर किसी की डिमांड थी तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने इंटेलिजेंस इन टू वन नेटवर्क यहाँ पे डेवलप किया. एंड द एडेप्टिव नेटवर्क रिकॉन्फिगर एंड अदर मैनेजमेंट टेक्निक, द नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द सेंस वायर नंबर्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने क्या किया यहाँ पे नेटवर्क मैनेज करने की टेक्निक्स क्रिएट की. तो ये है हमारा 5th generation जो अभी इवोल्यूशन के स्टेट में, कि इस तरह से हमने नंबर्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 जी यहाँ पे देखा. इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम. इफ आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.